हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया ही होंगे और बढ़िया रहन दिया होगा। तो हम एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट कर चुके हैं। काफ़ी तेज़ी से वीडियो मिलती जा रही हैं, तेज़ी तेज़ी से चैप्टर कंप्लीट करते जा रहे हैं। मेरा टारगेट है एक हफ्ते में इस चैप्टर को कंप्लीट करना और एक एक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना, प्लस एक्सप्लेनेशन जो इंट्रोडक्शन के तौर पर आ रहा है। ऐसे मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको उसका काफ़ी SCF LCM के बारे में सिखाया, प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर के बारे में सिखाया, आपने वीडियो देख ली होगी वो। तो अब मैं एक्सरसाइज 1.3 शुरू करने से पहले एक छोटी सी वीडियो इंट्रोडक्शन पे और ले आया हूँ, ठीक है जी। तो इसमें मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि आपने देखा ही है थंबनेल में, तो आपको रैशनल, इरेशनल और कंपोजिट प्राइम नंबर आपको सिखा दिए हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कैसे बनते हैं, रैशनल, रैशनल मतलब नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हो जाएगा, रैशनल और इरेशनल के अलावा भी, ठीक है ना। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट देरी। ये जुगाड़ी बाबा आपको, कई बच्चों को अब भी है, मैं एक छोटी सी बात और कह दूँ, अब भी प्रॉब्लम है, मेरे को भी शुरू में थी 8-9 तक, कि मैं यही भूल जाता था, अरे नेचुरल कौन से होते हैं, इसमें जीरो आता है कि नहीं आता, इसमें ये होता है कि नहीं होता। तो आपको भी कहीं ना कहीं अगर किसी को प्रॉब्लम है तो होगी, बट आज मैं जिस तरीके से समझाने वाला हूँ, जैसे ही मैंने समझा था वैसे ही आपको मैं समझाऊँगा, आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा पूरा नंबर सिस्टम। और चैप्टर 1 में क्या हो गए, हाँ भाई अब कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है ना। तो क्वेश्चन हम आगे प्रूफ करने से पहले हम आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दें, कॉन्सेप्ट समझा दें। तो कॉन्सेप्ट इज पावर, कौन सा चैनल कहता है बताइए, मैं किसी का प्रमोशन नहीं करवाता, ये मुझे चैनल अच्छे लगते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रैशनल नंबर की, ठीक है। देखो अब मैं ये हूँ कि डेफिनेशन लिखवाऊँ, वो रट्टा करवाऊँ तुमसे, वो तुम्हें पता वो मेरी आदत है नहीं, तो मैं सीधी बात करता हूँ, जो फ्रैक्शन में हो जाए वो रैशनल नंबर है। इट मींस जो p अपॉन q की फॉर्म में आ जाए, p अपॉन q आर द सम इंटीजर्स वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, ये बात लटने की नहीं है, p और q कोई इंटीजर हैं। इंटीजर क्या होते हैं, अब ये कहेंगे कि हमें यही नहीं पता इंटीजर क्या होते हैं, वो भी समझाऊंगा, बट रैशनल और इरेशनल के बारे में थोड़ी सी बात कर ले रहा हूँ मैं पहले, ठीक है ना। वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, आपके सामने लिख रहा हूँ, कोई बनी बनाई नोट्स को उसको समझा नहीं रहा, इसलिए ही आपके सामने लिख रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ आए, ठीक है। इसका एक टाइप होता है टर्मिनेटिंग, रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या होते हैं भैया टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कि जैसे कि मैंने लिखा 5/2, दिस इज रैशनल नंबर, 2 2 4 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2.5 आ गया। इट्स मीन्स कि ये एक जगह पॉइंट आएगा, 2 आएंगे, 3 आएंगे, 4 आएंगे, 5 आएंगे, बट एंड हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि पॉइंट्स का एंड हो जाएगा, ये नहीं चलता जा रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। अब इरेशनल में इसका बिल्कुल उल्टा हिसाब है, तो इरेशनल में कुछ थोड़ा उल्टा हिसाब समझ के चल लो आप, कि ये p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होता, ठीक है। और जब p अपॉन q की फॉर्म में नहीं होता तो q की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो इक्वल टू जीरो हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, रिकरिंग आल्सो रिपीटिंग, निकनेम कह लो, अपना निकनेम बताओ कमेंट सेक्शन में मुझे, देखते हैं किसका बढ़िया निकनेम है। और है हमारा नॉन रिकरिंग, सेकेंड पार्ट इसका इरेशनल का। देखो मैं आपको वही बात है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, कि डेफिनेशन लिखवा के इन सब की इनका पूरा कॉन्सेप्ट वैसे बता के कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है ना। आपको मेन बात है समझ आनी चाहिए, रैशनल नंबर समझ आया, पी अपॉन की क्यूब फॉर्म में होता है, 5/2, 4/2, कितने ही बड़े नंबर कुछ भी रैशनल में होना चाहिए, फ्रैक्शनल में, ठीक है ना। और क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्या पहचाने, टर्मिनेटिंग एक ही होते हैं। अगर ये पहचाने कि भैया रैशनल नंबर में टर्मिनेटिंग बताओ क्या है, तो सारे ही टर्मिनेटिंग हैं। अब इरेशनल नंबर में दो हो जाते हैं, रिकरिंग नो रिकरिंग, रिकरिंग मतलब रिपीटिंग। इसका एग्जांपल जैसे कि रिकरिंग का एग्जांपल 0.128, ठीक है ना, 1288, 1228, 1228,
एट एट ऐसे आगे चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं, नहीं चलते ही नहीं जा रहे हैं बट रिपीट होते जा रहे हैं, इसका दोनों बातों में बहुत अंतर है। ठीक है ना, अब आ जाते हैं नून रिकरिंग। नून रिकरिंग क्या कि वो आगे चलते नहीं जा रहे, नून लग गया तो बिल्कुल गलत। नॉन रिकरिंग इरेशनल नंबर हो गए जैसे कि 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 डैश 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 डैश, कभी एंड नहीं होना, कभी समाप्त नहीं होना। उन्हें बहुत डीट आदमी है। फॉर एग्जांपल पाई 3.1469 ऐसी कुछ होती है वैल्यू, मुझे तो 1/4 तक याद है कि आगे निकाल लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात कोई है, बट इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब इसमें पाई का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं कि पाई कहेंगे कुछ बच्चे कि 22/7 है, तो इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। नहीं, ये रैशनल नहीं है। इसको ये देखिए कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। मैंने बोला हर रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है ना। तो ये रैशनल नंबर कहाँ से पता लगेगा, इसको टर्मिनेट तो करो। 7321.147 कब एंड होएगा बताओ, जब एंड हो जाए मैं जब ही कह दूँगा हाँ भैया रैशनल नंबर है। समझे बात को, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपको। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस बता दें इरेशनल और इरेशनल में, ये होता है फ्रैक्शन, इनमें फ्रैक्शन नहीं होता, ठीक है ना। इसमें हमारे सारे वो आ जाएंगे, इरेशनल नंबर क्या होते हैं, √2, √3, √4, √5, √6, √7 एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है ना। पाई हो गया, इसमें क्या होंगे, फ्रैक्शनल नंबर होंगे सारे, ठीक है जी, समझ गए, क्लियर है। अब आ जाते हैं मेन बात पे। अगर आपको ये बात समझ नहीं आ रही, मैं एक छोटी सी डायग्राम से आपको ये बात समझाना चाहूँगा। ये देखो मैंने लिखा नेचुरल नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, सुन लो ध्यान से जो मैं कह रहा था, सिर्फ 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा सारी बात। दैट्स इज अ नंबर लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड चलता जा रहा है। जीरो से पहले ले लो और एंड तक इन्फिनिटी तक क्या हो गया, नेचुरल नंबर। समझ गए भाई इतनी बात। अब जीरो को इंक्लूड कर लो इसमें सर्कल में, प्लस इन्फिनिटी तक नंबर, वो हो गए होल नंबर। अब मेरी बात को दोबारा सुन लो, नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब इसको 0 को और ऐड हो, ये एक पूरी नंबर लाइन है जो मैंने खींची है, ठीक है ना। 0 और ऐड कर लिया, इस तरफ जाते जाएंगे तो बन गया होल नंबर। अब ले लो -1, -2, -3, इनको और ऐड कर लो इस सर्कल में, माइनस वाले सारे नंबर, 0 भी और नेचुरल नंबर भी, ये हो गया भैया इंटीजर। समझ रहे हो ना बात को, बहुत बढ़िया। अब इन सबको फिर ऐड कर लो सब कुछ A to Z, ठीक है ना भाई साहब, ये हो जाते हैं हमारे रैशनल नंबर, इनसे बन जाएगा रैशनल नंबर, ठीक है समझे। अब मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर एक नंबर लाइन खींचो, 0 से पहले बाद के 1, 2, 3 इन्फिनिटी तक नेचुरल नंबर, 0 इंक्लूड हो गया होल नंबर, फिर माइनस वाले सारे ले लिए नंबर, सारे इंटीजर हो गए, फिर उनको भी सबको मिला लिया तो रैशनल नंबर बन गया, ठीक है। अब इससे बस एक छोटा सा गोला अलग होता है, वो इन सबसे वास्ता ही अलग कर दिया, दैट्स इज इरेशनल नंबर, वो अलग ही है। √2, √3 रूट नंबर हो गए, पाई हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, जो भी नॉन रिपीटिंग वो है, रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है, जो भी है रिकरिंग। तो अब ये बात समझ आई, नेचुरल नंबर 1 से आगे के, तो अब इरेशनल को लग वास्ता हो गया, नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एटसेट्रा, होल नंबर ऐड कर लिए, 0 ऐड कर लिया तो इंटीजर हो गए, माइनस वाले ले लिए, इन सबको मिला दिया हर चीज़, नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर तो रैशनल नंबर बन गया। और अलग इसका वास्ता ही √2, √5 एटसेट्रा एटसेट्रा, पाई, ये हो गए रैशनल नंबर। अब इन सब को भी ऐड कर लो सारे A to Z, क्या क्या चीज़ें, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, यही सब, बस यही है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, इरेशनल, ठीक है। इन पांचों से बनते हैं रियल नंबर, क्या बनता है, रियल नंबर। डेट्स ग्रुप डिवाइडेड है, सबसे पहले नेचुरल नंबर, फिर होल नंबर आया, फिर इंटीजर आया, फिर रैशनल नंबर आया, और अलग से इरेशनल नंबर है, और इन सबको ऐड कर दो तो रियल नंबर हमें मिल जाते हैं। कैसा लगा, मज़ा आया,
एक बार वीडियो दोबारा रिपीट करो, मैं 3 बार रिपीट कर चुका हूँ, चौथी बार फिर करना चाह रहा हूँ मैं। नेचुरल नंबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, 0 ऐड कर दो होल नंबर, माइनस के ले जाओ तो इंटीजर, और इन सबको ऐड कर दो तो रैशनल नंबर, और इरेशनल तो अलग है ही है, और इन सबको ऐड कर दो सारी चीज़ों को तो बन जाएगा रियल नंबर। बस ये ही कॉन्सेप्ट है, समझ गए? रैशनल, इरेशनल, रियल, इंटीजर, नेचुरल, होल और रियल नंबर। तो आपको कैसी वीडियो लगी? पूरी जान लगा दी है मैंने आपको समझाने में। तो बस यही था कॉन्सेप्ट, ये आगे हम अब एक्सरसाइज करेंगे सोल्व, आपको वीडियो मिलती रहेंगी बहुत जल्द, ठीक है ना। शेयर करिए अगर किसी को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, अच्छी वीडियो लगी हो तो लाइक कर देना भैया थोड़ा सा हमारे लिए, ठीक है ना। तो हम जाते हैं, एजुलाइक का आपको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।